हेलो, आई एम सीए साक्षी जैन एंड हम आज बात करेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी करे तुरंत सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। हमारा लास्ट वीडियो सिंथेटिक्स इंडस्ट्री और रबर पॉलीमर से जुड़ी एक कंपनी एप्कोटेक्स पर था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री नाउ। 2020 में ग्लोबल प्लास्टिक इंडस्ट्री का साइज 580 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2028 तक CAGR 3.5% की रेट से ग्रो होने का अनुमान है। ग्रोथ के पीछे मेजर ड्राइवर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई ग्रोथ है, साथ ही ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कंजम्पशन भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में आ रहे ग्रोथ ड्राइवर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा डिमांड इमर्जिंग इकोनॉमिक से आ रही है, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको एक्सेट्रा। इन ग्रोइंग इकोनॉमिक्स कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो रहा है, जिसके चलते स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक डिमांड जनरेट हो रही है। इस ग्रोइंग डिमांड के पीछे इस कंट्रीज में तेजी से हो रहा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। वहीं गवर्नमेंट की ओर से भी पॉलिसी थ्रस्ट मिल रहा है। इंडिया जैसे और भी इमर्जिंग मार्केट्स है जहाँ की गवर्नमेंट इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए FDI नॉर्म्स में भी बदलाव ला रही है। ग्लोबली सबसे ज्यादा प्लास्टिक कंजम्पशन एशिया पैसिफिक रीजन में होता है। उसका सीधा कारण यहाँ की पॉपुलेशन है। चाइना और इंडिया तो सबसे बड़ा मार्केट इसी रीजन को बिलोंग करते हैं। 2020 तक ग्लोबल रेवेन्यू का 44% एशिया पैसिफिक रीजन से जनरेट होता रहा है, जो कि ग्रेजुअली बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो पता लगता है कि मास कंजम्पशन में ऑटोमोटिव सेक्टर इंडिया और चाइना में सबसे आगे है। वेस्टर्न मार्केट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने के बाद दोनों कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। साथ ही फ्यूल इफिशिएंसी और लो कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान में रखते हुए मेटल का यूसेज ऑटोमोटिव सेक्टर में कम होता जा रहा है और लाइट वेट कंपोजिट पॉलीमर मटेरियल का यूसेज बढ़ रहा है, जिससे इस सेक्टर को और ज्यादा डिमांड थ्रस्ट मिलता दिख रहा है, जो कि आगे और तेजी से बढ़ेगा। और अब बात करते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड की। टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो कि प्लास्टिक और कंपोजिट मटेरियल प्रोड्यूस करती है। कंपनी के ऑपरेशन ना केवल इंडिया में बट इंडिया के बाहर भी है। कंपनी काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिमांड को फोकस में रखते हुए। कंपनी मेजरली इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर पैकेजिंग सॉल्यूशंस, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। वहीं अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें तो कंपनी ड्रम्स, कंटेनर्स, पेल्स, पैड शीट्स, एंट्रेंस मैटिंग, टर्फ्स, गार्डन फर्नीचर्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ऑटो डिसेबलिंग, मेडिकल डिस्पोजेबल्स, वार्निंग स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड पॉलीमर्स और कंपोजिट से जुड़े प्रोडक्ट्स की देश की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। वहीं अगर जोग्राफिकल पेनिट्रेशन देखें तो कंपनी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस एशिया और MENA, दैट इज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिकन रीजन में है। कंपनी का इंडिया के बाहर 10 कंट्रीज में प्रेजेंस है। इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी इन इट्स सेक्टर विद अ वाइड स्प्रेड एक्सपोजर। कंपनी के पास वेल स्टेब्लिश R&D टीम है 30 मेंबर्स की, जिनका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में एवरेज 15 ईयर से भी ज्यादा है, जो कि कंसिस्टेंटली अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करने में लगे रहते हैं। वहीं लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप भी करते हैं, जिससे सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी को देखें तो मेजरली 2 कैटेगरी उभर के सामने आती है, एस्टैब्लिश प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से बनती है। वहीं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कंपनी बल्क कंटेनर, कंपोजिट सिलेंडर, मॉक्स फाइल्स बनाती है। टाइम टेक्नोप्लास्ट 14 ब्रांड्स को ओन करती है। वहीं कंपनी के पास 900 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल कस्टमर है। कंपनी किसी एक कस्टमर हैवीली डिपेंडेंट नहीं है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 के रेवेन्यू को देखें तो एस्टैब्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी से 80% रेवेन्यू आता है, जिसे अगर फर्दर ब्रेक करें तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से 67% इनकम आती है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से 9%, टेक्निकल एंड लाइफस्टाइल कैटेगरी से 4% एंड बचा हुआ वैल्यू एडेड से 20% रेवेन्यू आता है, दैट इज 596 आउट ऑफ 3000 करोड़। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी इस कैटेगरी में 16% है। एस्टैब्लिश कैटेगरी का मेजरली रेवेन्यू इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर से आता है। ये ज़्यादा रग्ड टेरेन और रफ हैंडलाइन को ध्यान में रखते हुए बनते हैं और ड्रम से 75% कम स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करते हैं। है। HDPE IBC की डिमांड केमिकल इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रही है क्योंकि IBC केमिकल रेजिस्टिव होते हैं, इस पर केमिकल्स का कोई असर नहीं होता है। वहीं एनवायरमेंट पर जिस इंडस्ट्री का फोकस है या फिर जहां पर हजार्डस केमिकल यूज होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहां IBC का ही यूज होता है टू कीप द इंटायर प्रोसेस एंड एनवायरमेंट सेफ एंड इफिशियंट। वहीं कंपोजिट सिलेंडर ट्रेडिशनली यूज्ड मेटल सिलेंडर से ज्यादा लाइट, रोबस्ट प्रूफ, यूवी रेजिस्टेंट और 100% एक्सप्लोजन प्रूफ होते हैं। साथ ही ये डिफरेंट साइज और कलर्स में अवेलेबल होते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है जो कि कंपोजिट सिलेंडर मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी 40 से ज्यादा कंट्रीज में सिलेंडर सप्लाई करती है। LPG कंपोजिट सिलेंडर में कंपनी का ब्रांड लाइट सेफ एक जाना पहचाना नाम है। लाइट सेफ के कई वेरिएंट अवेलेबल है जो कि 2 kg से लेकर 22 kg तक का गैस कंटेन करता है। वही मॉक्स फिल्म को कंपनी ने 2017 में लॉन्च किया था जिसका नाम टेकपोलियन है। कंट्री में मॉक्स फिल्म प्रोडक्ट के 25 डिस्ट्रीब्यूटर है। मॉक्स कई पर्पस के लिए यूज होता है जैसे कि ट्रक कवर, पॉन्ड लाइनर्स, पल्चिंग फिल्म्स एंड पॉलीहाउसेस फिल्म्स। कंपनी का फोकस एक्सपोर्ट पर भी है। कंपनी मेजरली मॉक्स को थाईलैंड, मलेशिया, जर्मनी, यूके एंड USA को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ग्रेजुअली स्टैब्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर ज़्यादा फोकस कर रही है। इट्स मोर लाइक अ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट और इसका कारण भी बहुत ही सिंपल है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मार्जिन स्टैब्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी से ज़्यादा है। साथ ही रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 24% की ग्रोथ देखने को मिल रही है इन कंपेरिजन टू 10% इन स्टैब्लिश कैटेगरी। तो ये तो प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में और किस किस कैटेगरी में हमें कैपिटल इनहैंस होते दिखेगी। लास्ट ईयर कंपनी ने 103.5 करोड़ का कैपेक्स एग्जीक्यूट किया था जिसमें से 67 करोड़ का स्टैब्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी में कैपेसिटी बढ़ाने में यूज़ किया गया। वहीं रिमेनिंग 36.5 करोड़ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैटेगरी में यूज़ किया गया। साथ ही उसमें लोवा में IBC प्रोडक्शन प्लान भी लगाया। ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था। वहीं कंपनी का इंडिया और इंडिया के बाहर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट पर भी फोकस है जहाँ एग्जिस्टिंग प्लान को फर्दर डेवलप करेगी और एक्विजिशन भी कर सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द की रिस्क। रॉ मटेरियल को लेकर अभी तक तो कंपनी ने कोई इशू फेस नहीं किया है। कंपनी रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करती है और काफ़ी मटेरियल लोकली सोर्स इन भी करती है। वहीं प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर भी वर्ल्ड वाइड फोकस बढ़ा है जिससे चाइना, US, यूरोप में मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएशन का। जैसे हम देख रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस और इजी मनी पॉलिसी के चलते क्रूड ऑयल बढ़ रहा है जिसके कारण इन्फ्लेशन में जबरदस्त तेजी दिखने को मिल रही है और इसी कारण मार्जिन पर प्रेशर आते दिख सकता है। कंपनी का फॉरेक्स एक्सपोजर भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी इंडिया और इंडिया के बाहर ऑपरेट करती है। अगर USD INR में अनवांटेड मूव आता है तो कंपनी के मार्जिन स्क्वीज आउट होंगे। हालांकि कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपनी को नेचुरल हेज भी मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न नाउ। प्रमोटर होल्डिंग एज ऑन दिसंबर 21 51% है। वहीं FPIs होल्डिंग 20% है। म्यूचुअल फंड 10% स्टेक होल्ड करते हैं और पब्लिक होल्डिंग 19% है। अगर मार्क्यू इन्वेस्टर्स की बात करें तो Anti-Asia डिस्कवरी फंड 14.5% होल्ड करता है। HDFC ट्रस्टी 9%, ग्रैंडव्यू पीक 2.3% और LIC 0.9% स्टेक होल्ड करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कई सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने अपना ट्रस्ट टाइम टेक्नोप्लास्ट पर दिखाया है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सेल्स 2012 से कंसिस्टेंटली ग्रो होते दिख रही है। लास्ट 7 इयर्स में CAGR 7% से सेल्स ग्रो हुई है। वहीं एक माइनर डिप 2021 में देखने को मिला था ड्यू टू पैंडेमिक लेड स्लो सप्लाई एंड डिमांड। साथ ही प्रॉफिट में भी सेम पैटर्न इमर्ज होते दिख रहा है। मार्च 2020 ऑनवर्ड प्रॉफिट में गिरावट दर्ज हुई है। एक नज़र ओवरऑल स्नैपशॉट को भी देख लेते हैं। टोटल इनकम में लास्ट 9 मंथ में 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं EBITDA मार्जिन में भी 47% की ग्रोथ लॉक करी है। पैट वेंट अप बाय 158% whereas प्योर कैश प्रॉफिट वेंट अप बाय 51%। तो ओवरऑल कंपनी के फिगर्स स्ट्रांगली ग्रो होते दिख रहे हैं। अगर टोटल डेट देखें तो कंपनी का टोटल डेट 837 करोड़ है। अगर इंडिया और ओवरसीज परफॉर्मेंस को देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया में 21% रही है, वहीं ओवरसीज 24%। रिवेन्यू ग्रोथ इंडिया में 27% और ओवरसीज 28%। रिवेन्यू में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 67% है, वहीं ओवरसीज कंट्रीब्यूशन 33% है। EBITDA मार्जिन आर इन लाइन एट 14%। पैट मार्जिन इंडिया में 4.7% है, ओवरसीज 5.8% है, अ बिट बेटर। वहीं कैश प्रॉफिट इन इंडिया इज 9.5%, ओवरसीज इट इज 10.1%। लेट्स ऑल्सो हैव अ क्विक लुक एट पीयर्स। टाइम टेक्नोप्लास्ट बड़ी कंपनीज के साथ कम्पीट करती दिखाई दे रही है। जैसे एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फिनोलेक इंडस्ट्रीज, प्रिंस पाइप्स, नीलकमल लिमिटेड, जैन इरिगेशन एक्सेट्रा। कंपनी आरओसी एंड आरओई वाइज पीएस से वीक दिख रही है, साथ ही डेट भी रिलेटिवली ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी का पीएस से वीक दिख रहा है, वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वाइज कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है। तो ये तो बात हुई टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड की हमारे पर्सपेक्टिव से। आप खुद भी इस कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं एंड अपनी क्यूरीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपकी क्यूरीज का जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। एंड रिमेंबर वन थिंग, इस पूरी सीरीज को बनाने के पीछे हमारा पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इसमें हम किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कंपनी के साथ। टिल देन, गुड बाय।